अबे ओ दत्ता, शट अप, समझा ना? अभी ना सिर्फ इसके कान पे गोली मारी है, अगर ज्यादा चू चपड़ शोर शराबा किया ना, इतनी चीर फाड़ मचाऊंगा ना यहाँ पे कि समझ नहीं आएगा कि बॉडी पार्ट में से कहां से खून आ रहा है, समझा? क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता है, मेरे हाथ का हथियार काम करता है, चल जाता है ये इधर उधर कहीं पे भी, समझा? तो इसलिए चुपचाप बैठो, ठीक है ना? ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब कर चुके हो तुम लोग, एकदम चुपचाप बैठो, मुझे सोचने दो। अगर साइलेंट नहीं हुए ना, तो फिर मैं वायलेंट हो जाऊंगा। क्या करूं क्या करूं इसका क्या करूं? विजू, इधर आ, इधर आ, ये पकड़ पकड़ पकड़, इसके यहाँ लगा सेंटर पे, लगा लगा लगा। अगर ये जरा सा भी हिलने की कोशिश करे ना, मार दे से, मार दे से। बिना सोचे समझे ठोक दियो, ठोक दियो। इसने वैसे भी मेरा बहुत नुकसान कराया है। परुण, प्लीज ऐसा कुछ मत करो जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें लगता है ये सब करके तुम जी पाओगे? सारी उम्र जेल में काटोगे तुम? ओहो, तो अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, अब तुमसे सीखूं मैं? तुम्हारी वजह से मेरा ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, मेरा बहुत नुकसान कर चुकी हो तुम, मेरा प्लान बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ हॉस्टेज बना के तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा? अब हाँ, तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, हॉस्टेज। प्रॉब्लम सॉल्व, तुम्हारी वजह से ही मेरी और काव्या की शादी टूटी थी ना, अब तुम्हारी वजह से ही मेरी और काव्या की शादी जुड़ेगी, जुड़ेगी। Just wait and watch. ऐसा सोचना भी मत वरुण, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं मर भी जाऊंगी ना, तो तुम्हारी शादी काव्या से तुम नहीं होने दूंगी।